हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको कोल्ड ड्रिंक बोतल के दो कूल आइडियाज़ बताने वाली हूँ। देखिए, मैंने कोका कोला की बोतल ले ली है और फिर नीचे वाली साइड से इस तरीके से हमने इसको मार्क कर लेना है। और फिर देखिए, जहाँ से मैंने मार्क किया है आपको भी इस तरीके से मार्क कर लेना है। देखिए, मैं आपके सामने बोतल को चार जगह से मार्क कर रही हूँ। इसी तरीके से आपने भी बोतल को चार जगह से मार्क कर लेना है। और फिर मार्क करने के बाद हमने क्या करना है कि इसको काट लेना है, यानी कि बोतल के चार पीस हो जाएंगे। बोतल आसानी से कट जाए इसके लिए हमने क्या करना है कि पहले चाकू से इसको थोड़ा सा काट लेना है और फिर कैंची की सहायता से ये बिल्कुल अच्छे से कट जाती है। इसी तरीके से आपने भी बोतल को काटना है। फ्रेंड्स, अक्सर हमारे घर में ढेर सारी बोतलें पड़ी रहती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि उनको कचरे में फेंक देते हैं। लेकिन कचरे में फेंकने से तो अच्छा है कि जो आइडिया मैं आपको बता रही हूँ आप ये देखें और फिर इस तरीके से आप अपनी प्लास्टिक की बोतलों को यूज़ करें। ये कोल्ड ड्रिंक बोतल के दो आइडिया जो मैं आपको बता रही हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो देखिए, मैंने बोतल को काट लिया है और चार हिस्सों में इसको कर लिया है। अब देखिए, हमने क्या करना है कि बोतल का सबसे नीचे वाला और ऊपर वाला हिस्सा लेना है और इस तरीके से हमने फिर इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। अच्छे से फिक्स करने के बाद आपने क्या करना है कि या तो ग्लू गन ले लेनी है या फेविक्विक या जो भी आपके पास अच्छे से चिपकाने वाला ग्लू हो आपने ले लेना है और इस तरीके से फिर बोतल को अच्छे से चिपका देना है। बोतल प्लास्टिक की होने के कारण बहुत अच्छे से चिपक जाती है। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे से चिपका लिया है। इसी तरीके से आपने भी बोतल को अच्छे से चिपका लेना है। अब देखिए, बोतल के बीच वाले हिस्से को लेना है और एक साइड से काट लेना है और फिर इस तरीके से कोन शेप बना लेना है। आपको भी इसी तरीके से काटना है और फिर एक कोन शेप बनाकर उसको अच्छे से चिपका लेना है। आप चाहें तो इसको ग्लू से चिपका सकते हैं या टेप से भी चिपका सकते हो। देखिए, मैंने इसे अच्छे से चिपका लिया है। अब हमने क्या करना है कि इस तैयार किए हुए हिस्से को लेना है और फिर इस कोन शेप को हमने इस पे अच्छे से चिपका देना है। फ्रेंड्स, चिपकाने के बाद आपने क्या करना है कि इसको अच्छे से सूखने देना है ताकि ये अच्छे से एडजस्ट हो जाए। और फिर आपने क्या करना है कि अपने मनपसंद कलर ले लेना है और इसको अच्छे से कलर कर लेना है। आप चाहें तो इसमें एक ही कलर करें या चाहें तो आप इसमें दो तीन कलर भी कर सकते हो, लेकिन मैंने इस पे एक ही तरह का कलर किया है। फ्रेंड्स, हम अक्सर क्या करते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं और बोतल खाली होने के बाद उसे कचरे में फेंक देते हैं, लेकिन ये इतना अच्छा फ्लावर पॉट बनकर तैयार होगा कि आप कभी भी खाली बोतल जो है उसे कचरे में नहीं फेंकोगे। देखिए, मैंने नीचे वाले हिस्से में कलर कर लिया है। अब मैं ऊपर वाले हिस्से में कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो ऊपर वाले हिस्से में अलग कलर भी कर सकते हो। कलर करने के बाद हमने क्या करना है कि इसको सूखने के लिए रख देना है। तो देखिए, मैंने इसको सूखने के लिए रखा था और ये अच्छे से सूख गया है। सूखने के बाद आपने क्या करना है कि इसको अच्छे से डेकोरेट कर लेना है। आपको जो पसंद हो उस तरीके से आप इसको डेकोरेट करें, लेकिन मैंने यहाँ पे ऊन के फ्लावर बनाए थे, मैं उनसे इसे डेकोरेट कर रही हूँ। अगर आपके पास छोटे छोटे शीशे हैं तो आप उनसे भी इसे डेकोरेट कर सकते हो। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ मोती ले लिए हैं और मैं बीच वाली साइड में मोती को लगा लूंगी। आप यहाँ पर लैस का यूज भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे मोती लगाए हैं। तो देखिए, मैंने इसको डेकोरेट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि जो जगह खाली बची है ना उसको कलर से अच्छे से बिंदी टाइप लगा लूंगी, जिससे क्या होगा कि ये और अच्छा दिखेगा। तो देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पे छोटी छोटी बिंदी लगा ली है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई डिजाइन भी बना सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे छोटी छोटी बिंदी टाइप ही लगाया है। तो देखिए, मैंने इस तरीके से इसको तैयार कर लिया है। आपने भी इस तरीके से तैयार कर लेना है, ये देखने में काफी सुंदर लगता है। फ्रेंड्स, कमेंट करके बताना ये आइडिया आपको कैसा लगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला आइडिया क्या है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे फेंटा की बोतल ले ली है। अब क्या करना है कि सबसे पहले तो इसका कवर हटा लेना है और फिर देखिए, जहां जहां से मैं इसको मार्क कर रही हूँ आपको भी मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद आपने क्या करना है कि एक चाकू ले लेना है और चाकू से इस तरीके से थोड़ा सा बोतल को काट लेना है। ऐसे करने से क्या होता है कि बोतल बड़ी आसानी से कैंची से कट हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ अपनी फैमिली और दोस्तों से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। फ्रेंड्स, आप कहाँ कहाँ से और किस जगह से मेरी वीडियो देखते हो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताया करें, ताकि मैं भी जान पाऊँ कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ और देश के किस कोने में देखी जाती है। अब बोतल के हमने नीचे वाले हिस्से को लेना है और फिर इस तरीके से हमने नीचे की साइड से इसको मार्क कर लेना है और फिर मार्क करने के बाद हमने क्या करना है कि इसको काट लेना है। फ्रेंड्स, आपने मेरे बोलने से ज़्यादा वीडियो पर ध्यान देना है ताकि आप वीडियो को अच्छे से समझ पाएं। तो देखिए, इस तरीके से हमने इसको अच्छे से काट लेना है। देखिए, अब हमने क्या करना है कि बोतल के ऊपर वाले हिस्से को ले लेना है और फिर इसको हमने काट लेना है। देखिए, इस तरीके से हमने इसको कम से कम 2 या 2.5 इंच की दूरी से काटना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बोतल को काट लिया है। अब हमने क्या करना है कि इनको इस तरीके से बाहर की तरफ मोड़ लेना है।
मैंने यहाँ से बोतल के 5 हिस्से किए हैं। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जहाँ पे मैंने 2.5 इंच बताया है आपको वहाँ से थोड़ा इसको कम करना होगा, जिससे क्या होगा कि आपके ये जो है ना ये थोड़ा ज़्यादा बन जाएंगे। और फिर हमने क्या करना है कि इसको पत्ते की शेप दे देनी है। देखिए इस तरीके से हमने इसको क्या करना है कि दोनों साइड से अच्छे से शेप दे देना है, जिससे क्या होगा कि हमारा पत्ता शेप जो है वह बहुत अच्छी बनेगी। तो इस तरीके से हमने इसको अच्छे से शेप देकर तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपने पत्ते की शेप छोटी करनी है तो ज़्यादा छोटी भी नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा कि ये उतना सुंदर नहीं लगेगा। लेकिन देखिए इसके 5 पत्ते बने हैं तो ये अच्छे लगेंगे। अब बोतल के नीचे वाले हिस्से को हमने ले लेना है और इस तरीके से मार्क कर लेना है, और फिर इसको हमने क्या करना है कि कट कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे चाकू से इसको कट किया है। मैंने पहले चाकू को गर्म किया है और फिर मैं इसको काट रही हूँ। इसी तरीके से आपने भी चाकू को पहले गर्म कर लेना है और फिर इसको कट कर लेना है। और फिर देखिए हमने ऊपर वाले हिस्से को इसमें अच्छे से इस तरीके से डालकर बंद कर लेना है बोतल के ढक्कन के साथ। अब फ्रेंड हमने क्या करना है कि अपने मनपसंद का कोई भी कलर ले लेना है और फिर इस पे अच्छे से कलर कर लेना है। मैंने यहाँ पे येलो कलर यूज़ किया है, आप यहाँ पे कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद हो। फ्रेंड्स, मैंने इसमें एक ही कलर यूज़ किया है, अगर आप चाहें तो इसमें 2 या 3 कलर भी यूज़ कर सकते हो, जो आपको पसंद हो आप उस तरीके से इसको डेकोरेट कर सकते हो। फ्रेंड्स, यकीन मानिए एक कलर करने के बाद भी ये इतना सुंदर लगता है कि आप इसको देखते ही रह जाओ। मैंने इसे कलर ही किया है, बाकी डेकोरेट नहीं किया है। अगर आप चाहें तो इसे अपने मन मुताबिक डेकोरेट भी कर सकते हो। और फिर हमने क्या करना है कि कलर करने के बाद इसको अच्छे से सूखने देना है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो पत्तियों का कलर ग्रीन या कोई और भी कर सकते हो, आप इसे फ्लावर पॉट या प्लांटर कुछ भी कह सकते हो। इसका जो बीच वाला हिस्सा है ना, आप उसको भी अलग कलर में कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको कलर कर लिया है, अब क्या करना है कि इसको अच्छे से सूखने देना है। आप इसे प्लांटर की तरह भी यूज कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको सुखा लिया है और देखिए ये कितना ही सुंदर लग रहा है। मैंने इसमें एक ही कलर किया है, फिर भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। आपको दोनों में से कौन सा आइडिया पसंद आया कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।